पंचमुखी पंद्रह नैना हैं, देखो भोले भाले हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी मैंने कल ही YouTube पर क्लिप देखी है, जिसमें बड़े भैया अरविंद अकेला जी, जो सिग्मा स्टूडियो एटा से कुछ प्रसन्नों को लेकर आए हैं। लेकिन भैया आपने उसमें कुछ कहा भी है, लेकिन सारी बातें कहने योग्य नहीं होती, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही कह गए। हाँ, ये आपकी बात तो सही है कि आपको ज्ञान ज़्यादा है, लेकिन कभी ज्ञानी अपनी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन आपने अपनी प्रशंसा बहुत की है। प्रसन्न आपने जो भी पूछे, कोई नहीं निराले हैं। पंचमुखी पंद्रह नैना, देखो भोले भाले हैं। पंचमुखी पंद्रह नैना, देखो भोले भाले हैं। लेकिन अरविंद भैया, आपने एक चीज और कही, छोटे मोटे कलाकार ना आए। तो भैया मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में आखिर छोटा कौन है? उस छोटे का मुझे नाम तो बताओ, आखिर छोटा है कौन? लेकिन पहला जो आपका प्रसन्न है, उसका उत्तर सुनिए। पांच मुख, पंद्रह नेत्र, दस भुजाएं। जब पंचमुखी भगवान भोलेनाथ बने हैं, उस वक्त भोले बाबा के पांच सर हैं और पांच सर के दस नेत्र हो गए, और एक नेत्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, जिन्हें तीन नेत्र कहा जाता है प्रभु भोलेनाथ के। तो पांतिया पंद्रह, ये पहला आपका रहा है। प्रसन्न आपने जो भी पूछा, कोई नहीं निराले हैं। पंचमुखी पंद्रह हैं नैना, देखो डमरू वाले हैं। पंचमुखी पंद्रह हैं नैना, देखो डमरू वाले हैं। अब सुनिए भैया, आपको अपना दूसरा सवाल, उसका उत्तर। चार भुजा है मां सरस्वती की, दो नैना दर्शाए हैं। नैन करोड़ों वंदन करते, श्रद्धा सुवन बढ़ाए हैं। करोड़ों वंदन करते, श्रद्धा सुवन बढ़ाए हैं। अब सुनिए, आपने कहा चार भुजाएं दो नेत्र, नैन करोड़ों निहारते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया है, उन्हें भी
उन्होंने करोड़ों नैन बनाए हैं और ब्रह्मा जी को करोड़ों नैन निहारते हैं और गणेश भगवान को भी करोड़ों नेत्र निहारते हैं और माँ सरस्वती को भी। और आपने एक बात कही थी, जो गाना जानता है वो भी गाते हैं और जो नहीं जानते वो भी। तो संगीत किसी के बाप का नहीं है। चार भुजा है माँ सरस्वती की, दो नैना दर्शाए हैं, नैन करोड़ों वंदन करते श्रद्धा सुवन बढ़ाए हैं। और छोटी मोटी बात न करना, छोटी मोटी बात न करना, ऐसे ही पड़े पाले हैं। पंचमुखी हैं पंद्रह नैना, देखो डमरुआ पंचमुखी है पंद्रह नैना, देखो डमरू वाले हैं। और सुनिए आगे भैया, आपने कहा है एक दंत गणपति को कहते, दो नैना बतलाते हैं, भाई कार्तिक के छह सिर हैं, बारह नेत्र दिखाते हैं, बारह नेत्र दिखाते हैं। इतनी बात बड़ी मत कर है ना, इतनी बात बड़ी मत कहना, हम तो सत्य समझाते हैं। पंचमुखी है पंद्रह नैना, देखो डमरू वाले हैं। पंचमुखी है पंद्रह नैना, देखो डमरू वाले हैं। भैया जी आपने कहा एक दिन गणेश भगवान को भी कहा जाता है और कार्तिक को भी कहा जाता है, जिनके छह सर हैं बारह नेत्र। आपके सवाल और एक सवाल और रहा है आपका, सुनिएगा। शेष बाहु रावण का भाई, सौ सर यार दिखाए हैं, सौ सर के हैं दो सौ नैना, उत्तर सत्य बताए हैं। सौ सर के हैं दो सौ नैना, उत्तर सत्य बताए हैं। और ज्ञानी हो अज्ञानी बन तुम, ज्ञानी हो अज्ञानी बन तुम, जैसु से पढ़ते पाले हैं। पंचमुखी है पंद्रह नैना, देखो डमरू वाले हैं। पंचमुखी पंद्रह है नैना, देखो डमरू वाले हैं। आपने पूछा था इसमें कि दस शीश, बीस भुजाएं और बीस नेत्र, ये तो भैया रावण का रहा मामला।
उधर रावण का भाई शेषबाहु जो पातालपुरी में निवास करता था, उसके 100 सर थे, 100 सर के 200 नेत्र हुए। ये आपके प्रश्नों के उत्तर रहे भैया, लेकिन एक छोटा सा सवाल हमारा है। आपने 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ। आए तो लाना, न कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आपने कहा ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से होनी चाहिए, तो ज्ञान की ज्ञान से ही होगी। एक प्रश्न है मेरा शायर, उसको आप बता देना। ईश्वर क्या ना देखता जग में, इतना मुझे बता देना। ईश्वर क्या न देखता जग में, इतना मुझे बता देना। भैया सचिन दीवाना कहे दंगल में, सचिन दीवाना कहे दंगल में, जान के पढ़ते लाले हैं। पंचमुखी है 15 नैना, देखो डमरू वाले हैं। पंचमुखी है 15 नैना, देखो डमरू वाले हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वही आप सब छोटे भाइयों का छोटा भाई सचिन दीवाना, गांव मेहमतपुरा डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। और भैया ने ये कहा है कि छोटे मोटे भाई शास्त्री लोग ना छेड़े जो गाना जानते हैं वो, और ना जानते हैं वो भी छेड़ लेते हैं। तो भैया उन सब छोटे मोटे भाइयों का सबसे छोटा भाई हूं मैं, प्रयास किया है। प्रसन्न आपने जो भी पूछे, कोई नहीं निराले हैं। पंचमुखी 15 हैं नैना, देखो भोले भाले हैं। पंचमुखी 15 हैं नैना, देखो भोले।